10 अगस्त 2022, यही वो तारीख थी जब आजादी के 75 साल पूरे होने पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने 5 प्रण रखे थे। 2047 तक विकसित भारत, गुलामी के एहसास से आजादी, विरासत पर गर्व, एकता एकजुटता पर जोर और नागरिकों का कर्तव्य। इनमें से एक प्रण है गुलामी के एहसास से आजादी, यानी किसी भी कोने में गुलामी के अंश को बचने नहीं देना। गुलामी की छोटी से छोटी चीज से भी हमें मुक्ति पानी ही होगी। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब शत प्रतिशत सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, यानी हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी के एहसास से आजादी का जो प्रण देश के सामने रखा था, उसी प्रण के तहत मोदी सरकार ने गुरुवार को देश की संसद में 3 ऐतिहासिक विधेयक पेश किए, जिसका मकसद है इस देश को गुलामी के समय के बने कानूनों से निजात दिलाना। और ये बात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को पेश करते हुए संसद में कही। गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो विधेयक 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूँ। देश की संसद में तीनों विधेयकों के पेश होने के बाद सबसे पहले तो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही गुलामी की निशानियां खत्म हो गई, और दूसरी तरफ इस फैसले के बाद अब इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित होगा। विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए। 4 सालों तक इस कानून पर गहन विचार विमर्श हुआ और गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पर हुई 158 बैठकों में मौजूद रहे। सीआरपीसी को रिप्लेस करने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 533 धाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल लिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहले की 511 धाराओं की जगह पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने वाले भारतीय साक्षी विधेयक में पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। कुल 475 जगह गुलामी की निशानियों को खत्म करके नए कानून लाए गए हैं। कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, SMS, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है। FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को जरूरी कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। 7 साल या इससे ज्यादा सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम के विजिट को जरूरी किया जा रहा है। इसके जरिए पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। आजादी के 75 सालों के बाद पहली बार सरकार जीरो FIR को शुरू करने जा रही है। अपराध कहीं भी हुआ हो, उसे अपना थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान जरूरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब जरूरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना जरूरी होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 साल या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशन कोर्ट में 40% से अधिक केस खत्म हो जाएंगे। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन किसी भी सरकार ने सैकड़ों साल से चले आ रहे पुराने कानूनों को बदलने की जहमत नहीं उठाई। ये काम भी लगता है मोदी सरकार के ही जिम्मे लिखा था, इसलिए मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में अब अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदलने में जुट गई है, जिसकी शुरुआत 11 अगस्त को देश की संसद से हो गई है। और अब ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसके तहत पुराने कानूनों को खत्म कर नए कानून बनाए गए, जिसके तहत अब आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेगी। इस तरह से 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट पर आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इससे सालों तक निर्णय पेंडिंग नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के खिलाफ ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा, वरना इसे डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लाया गया है। अंतरराज्यीय गिरोह और संगठित अपराधों के खिलाफ अलग तरह की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फोन या महिलाओं के चेन की स्नैचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी प्रावधान रखा गया है। हमेशा के लिए अपंगता आने या ब्रेन डेड होने की स्थिति में 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। कई अपराधों में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने के कई मामले देखे जाते थे। अब मृत्यु दंड को आजीवन कारावास,
आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में ही बदला जा सकेगा और किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। सेशंस कोर्ट के जज द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की गैर मौजूदगी में ट्रायल होगा और उसे सजा भी सुनाई जाएगी। चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो, उसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा। कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल सकेगा। अंग्रेजों के जमाने के कानूनों में बदलाव के लिए संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जो 3 विधेयकों को पेश किया है, वो अब संसदीय समिति के सामने है, जहां विपक्ष इन पर अपनी राय रखेगा। इन बिलों को लॉ कमीशन के पास भी भेजा जाएगा। इसके बाद ही इन्हें संसद में दोबारा लाया जाएगा, जहां इन पर बहस होगी और फिर इन्हें पारित किया जा सकेगा। ऐसे में सरकार की ओर से उठाए गए इन कदमों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।